और आ भाई तो फुल बैठो देख। अरे मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुड़ रहा है मुड़ रहा है मुड़ रहा है। अरे बाहर आ जा दो मिनट के लिए। भाइयों मैं जा रहा हूँ क्रोकोडाइल पॉइंट, अपने से रहा नहीं जा रहा। मैं ना अभी फिसल के गिरा हूँ बहुत बुरा, और मेरे ना चोट लगी है अच्छी खासी। देख रहे हो मेरा हाथ छिल गया, और मेरी कोहनी भी छिल गई है, और मेरा पैर भी छिल गया है पीछे से। जो मैं कर रहा हूँ मैं रिकमेंड करूँगा आप मत करना, रिस्की है। किधर है भैया, किधर बैठा है? यहाँ पे वहाँ, यहाँ तो बहुत गहरा पानी है यार। अरे किस तरफ है? उस तरफ है? उस तरफ तो नहीं है मेरे ख्याल से, इस तरफ है कहीं। मछली दिख रही है मुझे इस पानी के अंदर। अब पता लगे मैं आपको ऐसे ब्लॉक कर रहा हूँ, पीछे आके मेरे चूतड़ खा जाए। ऊपर से चिल्ली मार रहे थे लोग, कह रहे नीचे वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। देखो मेरा हाथ देख लो आप, खूनम खून हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसा काम मत करना। और मेरा सिर्फ ये नहीं, मेरे देखो कोनी वोनी भी छिली हुई है, देखो कोनी वोनी सब छिली है। तेंदुए का बच्चा पकड़ा हमने मेरे हाथ में थे। बुरा मत देना भैया। अरे नहीं बिल्ली के बच्चे बहुत पकड़े मैंने गाइस, ये देखिए तेंदुए का बच्चा गाइस, ये देखिए आप देख सकते हैं नर है देखिए बहुत ही प्यारा तेंदुए का बच्चा वाइल्ड हमारे आंगन में घूम रहा था। अच्छा ले ना, क्या हो सो जा सो गाइस, ये देखिए छाया में जाके आराम कर रहा है, he's enjoying himself। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मरचूला वाटरफॉल, और टाइम हो रहा है 11 बजे। नाश्ता वाश्ता करके हम बिल्कुल रिलैक्स मूड से आज एंजॉय करेंगे। धूप अच्छी लग रही है, गर्मी सी लग रही है, तो जान नहाने में मजा भी आएगा, पानी ज़्यादा ठंडा लगेगा नहीं। बाकी रास्ता देखो यार, रात को आपको ढंग से दिखा नहीं होगा तो आप देख लो, इस तरह का है ये, करीबन 1 किलोमीटर, मतलब मोटरेबल रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऑफ रोड है ये कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और गाड़ी के नीचे लगेंगे, गाड़ी तोड़ देंगे। बारिश में आओगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत, बाकी सारे रेडी हैं। झूमर को देखो एकदम भाई साहब, एकदम बियर ग्रिल्स पार्ट 2 फीमेल बियर ग्रिल्स, रेश रूमो सब रेडी हैं, और स्वू भी रेडी है नहाने के लिए। तब एकदम जाके आज मस्त नहाएंगे वाटरफॉल में, बच्चा भी नहाएगा, तो 3 महीने का बच्चा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा जैसे स्लिप हुआ ना, ये तो नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन देसी फरारी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है छोटी गाड़ी को चढ़ते वक्त दिक्कत हो। सो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, लेट्स गो। ऊपर से सही लग रहा है ना वेदर, दिल्ली दिल्ली जैसा ही लगा लो, मतलब 1-2 डिग्री का फर्क होगा, बड़ी ये कि पॉल्यूशन लेस है। सुरेश भाई कहाँ सर है, कह रहा है तू पॉल्यूशन की बात कर रहा है, यहाँ मेरे खांसी उठ रही है। आ गई भाई रोड, आ गई भाई रोड, आ गई यार। 1 किलोमीटर भी नहीं लग रहा, कम ही लगता है मुझे तो, जाते वक्त तो बल्कि ज़्यादा लगता है भाई। ये है तारीनी, लास्ट टाइम यहाँ रुके थे हम, अब इन्होंने कैंप वैम्प भी बनाई दिए होंगे कई सारे। ये बोर्ड लग रहा तारीनी कॉर्बेट कैंप का बोर्ड लग रहा भाई ये वाला, देख रहे हो छोटी सी जगह है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रिजॉर्ट दिए भर देते पूरा हिल स्टेशन कचरा कचरा ना, ऐसा कुछ नहीं। ये आ गया अपना पहला ब्रिज वापस जाते हुए बड़े वाला, ये भाई तुम्हारा रिवर क्रीक, इसका गेट देख रहे हो यहाँ पे नदी कहीं खुलता है, वो बैठे ना सारे, ये रिवर क्रीक वाले हैं। अच्छा यहाँ का पैराशूट से धो रहे हैं, रिवर राफ्टिंग शुरू कर दिया इन्होंने, रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग पहले नहीं था। ये है क्रोकोडाइल पॉइंट अपना राइट में जो देख रहे हो ना, यहाँ क्रोकोडाइल आता है। अभी बारिश के टाइम पे बहाव ज़्यादा होता तो अभी तो नहीं होता। अरे वहाँ वो क्या पत्थर है, क्रोकोडाइल है, कुछ तो है ना, लंबा सा कहाँ दिख गया तुम्हें, ओ भाई साहब ग्लैमर ग्लैमर ऑन द रोड। भाई खड़े तो हैं, दिख रहा है क्या भाई, बना तो रहे हैं एक बार भाई। क्रोकोडाइल पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ मगरमच्छ दिख गया भाई, हमारे तांत्रिक सूत्रों ने बताया सुरेश ने। देखते हैं भाई क्रोकोडाइल कहाँ है, मुंडी घुमा ले इसकी जरा, दिख रहा है भैया। अरे भाई, अरे भाई तो फुल देखा, मैं एसी को बोल रही हूँ। अरे साला इसमें दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, लाइन से दिखते
अरे मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुड़ रहा है बड़ी छिपकली बड़ी छिपकली। साले बाहर आ जा 2 मिनट के लिए और अंदर चले जाएगी। अरे बाहर आ जा 2 मिनट के लिए। देखिए किस्मत है, इस टाइम पे दिख गया, दिखता नहीं साला, सर्दियों में दिखता है। धूप सेकने आ गया, धूप अच्छी आ रही है, देख लो भाई इतनी दूर से दिख रहा है, नीचे उतरने का रास्ता नहीं है। अरे नहीं जाना है, जाना भी नहीं चाहिए। डेयरडेविल्स कौन कौन है, दम है दम तुम्हें? भाई मैं भी जा रहा हूँ फिर, भाइयों मैं जा रहा हूँ क्रोकोडाइल पॉइंट, अपने से रहा नहीं जा रहा। तेरी तो साले भाई देख के यहाँ फिसल रहे हैं, तो साले चप्पल है फिसल रही है भाई। तो गाइस मैं ना अभी फिसल के गिरा हूँ बहुत बुरा, और मेरे ना चोट लगी है अच्छी खासी। देखो आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो मेरा हाथ छिल गया और मेरी कोहनी भी छिल गई है और मेरा पैर भी छिल गया है पीछे से। ये देखो यहाँ पे ना चप्पल पहन के ना लोफर्स ये फिसल गई, मेरे को ट्रैकिंग शूज़ पहन के आने थे। थोड़ा सा यार रास्ता ऐसा, मैं ये चप्पल पहन लेना इससे काम ख़राब हो रहा है, वरना वैसे दिक्कत नहीं थी। मेरे ट्रैकिंग शूज़ ना मैं घर पे ही छोड़ाया, मतलब रूम पे छोड़ाया, वरना मैं ले आता, मेरी कोनी वोनी भी छिल गई है। जो मैं कर रहा हूँ मैं रिकमेंड करूँगा आप मत करना, रिस्की है, मैं थोड़ा सा भैया हाई ऑन लाइफ हूँ तो मेरा चलता है। अपने आगे पीछे रोने वाला कौन है साला? किधर है भैया, किधर बैठा है? यहाँ पे वहाँ आपको नहीं दिखा, वो पानी के जस्ट अंदर है। नहीं इधर है क्या, उधर है, वही देख रहा हूँ कि है किस तरफ। यहाँ कोई दिख रहा है ऊपर, उस तरफ होगा ये। देखो भाई यहाँ तो बहुत गहरा पानी है यार, भाई कम से कम यहाँ तो 30-40 फुट जा रहा होगा, यहाँ तो तैरना मतलब सीधा डूबना है। अरे किस तरफ है, उस तरफ है? उस तरफ तो नहीं है मेरे ख्याल से, इस तरफ है भाई। तो पार जाके देखता हूँ दिखता है तो। मछली दिख रही है मुझे पानी के अंदर, दिख रही है आपको? देखो एक बार, मछलियां तो हैं अंदर बहुत सारी ना। अंदर चला गया ये। चलो गाइस सॉरी दिखा नहीं पाया आपको, अब पता लगे मैं आपको ऐसे ब्लॉक कर रहा हूँ, पीछे आगे मेरे चुटड़ खा जाए। ये देखो ये ऊपर से चिल्ली मार रहे थे लोग, अरे नीचे वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। अरे मेरी बीवी नहीं चिल्ला रही थी, वो लोग चिल्ला रहे थे, वो लड़कियाँ बताओ। दूसरी लड़कियों को मेरी कदर है, मेरी बीवी को नहीं। बढ़िया नज़ारा देखो, ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल। बट गाइस मैं ये देखो मेरा हाथ देख लो आप, खूनम खून हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसा काम मत करना, ठीक है? मेरी बात अलग है, और मेरा सिर्फ ये नहीं, मेरे देखो कोनी वोनी भी छिली हुई है, देखो कोनी वोनी सब छिली है। तो पंगेबाजी आप लोग मत करना। अब चलते हैं वापस, जो जोश में उतर तो गए, चढ़ना मुश्किल है। रोड़ियाँ सी हैं साला, यहाँ फिसल गया था मैं, यहाँ गिरा और कांच कांच पड़े थे, मेरे को लग रहा कांच से ही छिला है मेरा ना। सब देख रहे थे, तुमने जाके उस क्रोकोडाइल को भगा के आए, कोई मतलब है? तो कितना देखोगे, कितना देखोगे? देख लिया उससे क्या, कब तक करवाओगे? और भी लोग आते, और भी लोग देखते, ये देखो क्रोकोडाइल दिख गया, बड़ी बात है, वरना दिखता नहीं, सिर्फ सर्दियों में दिखता है। बारिश के टाइम पे हमें क्रोकोडाइल दिखा है, पानी का बहुत ज्यादा लेवल था वहाँ पे, इतना गहरा पानी था, जब मैं नीचे आपको दिखाया ना पूरा, जैसे वो नहीं तो समुद्र एकदम नीचे, कोई ये नहीं कि पत्थर पत्थर धीरे धीरे उतरेगा, सीधा कूदोगे आप अंदर और सीधा 10-15 फीट नीचे जाओगे, वापस आ ही नहीं पाओगे, पैर आपके मगरमच्छ पकड़ लेगा।
तो ये सोलूना के लिए रास्ता उतरता है, ठीक है, और यही रास्ता सीधा सीधा आपका वाटरफॉल जाता है। तो आपको पहचान यही रखनी है कि सोलूना जो है, देखो ना सोलूना वेलकम टू द वर्ल्ड ऊपर लगा रखा बोर्ड में, सोलूना लगा लो रिजॉर्ट मैप में, सोलूना उतरोगे तो बिल्कुल सीधा सीधा ही वाटरफॉल की तरफ निकल जाएगा। हम आपको अभी दिखाते हैं, एकदम टाइम लैप्स में करके दिखा देंगे आपको सुपर फास्ट में।